मेरे नौजवान साथियों, आज मैं आपको तारे के टाइप के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले हम लोग पूर्व की भांति पंक्ति को लिख डालें। लोक कल्याणार्थ हेतु, लोक कल्याणार्थ, लोक कल्याणार्थ हेतु बी नारायण सर की, बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति, अनुपम प्रस्तुति, बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति। आज का टॉपिक होगा, ये टॉपिक है तारे का प्रकार। ये तारे का ये प्रकार, टाइप ऑफ, ये टाइप ऑफ स्टार्स, ये टाइप ऑफ स्टार्स। आज का टॉपिक यही है, तारे का प्रकार। आज हम लोग इसी पर बातचीत करेंगे। मैंने पिछले दिन विगत क्लास में मैंने आपको तारे के संबंध में बताया था। ऑलरेडी आई हैव शेड यू इन रिगार्ड ऑफ स्टार्स। हमने आपसे कहा था कि तारे का जो कंपोजिशन है, तारे का जो कंपोजिशन है, तारे का संघटक तत्व, संघटक तत्व के संबंध में मैंने आपसे कहा था कि भाई इसमें हाइड्रोजन कितना होगा, भाई ये हाइड्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन ये 70%, हीलियम कितना होगा भाई, ये हीलियम ये 28%, कार्बन के तत्व कितने होंगे भाई, कार्बन कितना होगा तो 1.5%, और क्या हमने कहा था कि आयरन ग्रुप के भारी तत्व कितने हैं भाई, आयरन ग्रुप के भारी तत्व, ये भारी तत्व ये कितना होगा भाई, तो होगा 0.5%। हमने ये बात आपसे कह दिया था। हमने यह भी आपसे कहा था कि भाई तारे की जो, तारे का जो जन्म होता है और तारे की जो मृत्यु होती है, तारे की जन्म, ये तारों का ये जन्म और इनकी जो मृत्यु होती है, इनके संबंध में भी मैंने कहा था। तारा प्रकाश क्यों देता है यह भी मैंने कहा था, प्रकाश क्यों देता है, क्यों देता है यह भी मैंने कहा था। हमने आपसे कहा था कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं ये भी मैंने कहा था, टिमटिमाते क्यों हैं ये भी हमने कहा था। इट मीन्स दैट ऑलरेडी आई हैव सेड यू सच टाइप ऑफ क्वेश्चन अबाउट द कंपोजिशन ऑफ स्टार्स, अबाउट द कंपोजिशन ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, कॉज ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड डेथ एंड बर्थ ऑफ स्टार्स। आज हम लोग बात करेंगे कि भाई तारे का ये स्थिति क्या है, इसका तारे की स्थिति क्या है भाई, स्थिति, ये जो तारे की जो स्थिति है, ये स्थिति के बारे में बात करेंगे। तो कुछ तारे ऐसे होते हैं जो पृथ्वी से काफ़ी दूर होती है, ये काफ़ी दूर होती है, और कुछ क्या है पृथ्वी से काफ़ी, ये क्या है भाई, काफ़ी नज़दीक है, ये काफ़ी नज़दीक है। तो ये स्थिति हमारी बनी रहती है। तो कुछ तारों का, तारे इतने दूर हैं उनका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच भी नहीं पाती है। लेकिन हम ये भी बात बता दें आपको कि जो बड़े तारे होंगे, जो बड़े तारे हैं, जो बड़े तारे हैं, जो बड़े तारे, जो बड़े तारे हैं, उनका प्रकाश क्या होगा, वो प्रकाश अधिक होगा, वो प्रकाश क्या होगा, अधिक होगा। सेकेंड बात, जो छोटे तारे हैं, जो छोटे तारे हैं, छोटे तारे हैं, उनका प्रकाश क्या होगा, प्रकाश उनका कम होगा, प्रकाश क्या होगा उनका कम होगा। तो बड़े तारे और छोटे तारे के प्रकाश में क्या हो जाता है, ये अंतर हो जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अब हमको ये जो देखना है कि तारे ज्योत्सना ये के आधार पर हम लोग इसको देखते हैं,
ये ज्योत्सना के आधार पर तारे का विभाजन, ज्योत्सना के आधार पर तारे का ये क्या है, ये विभाजन हम लोग कैसे उसमें उसके ज्योत्सना के आधार पर हम तारे को किस आधार पर बांट देते हैं। तो देखिए, ज्योति के आधार पर इसको हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। एक तारा क्या कहलाता है, बौना तारा कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है बौना तारा। इसको हम लोग कहते हैं ड्वार्फ। ये क्या कहलाता है, ड्वार्फ स्टार। ये ड्वार्फ स्टार। और दूसरा क्या कहलाता है, विशाल तारा। ये दूसरा क्या कहलाता है, ये है विशाल तारा। ये क्या कहलाता है, ये है जेंट स्टार। ये है जेंट स्टार। तो ये बौना तारा और ये क्या है, ये विशाल तारा, ड्वार्फ स्टार। और दूसरा कौन है, ये है जेंट स्टार। तो हम बौना तारा किसको कहते हैं भाई, होम इज कॉल्ड ड्वार्फ स्टार। ये बौना तारा किसको कहा जाता है, इस बात को आप ध्यान से देखिए। ये जो बौना तारा है, ये बौना तारा ये ड्वार्फ स्टार किसको कहा जाता है, ये है ड्वार्फ स्टार। तो ड्वार्फ स्टार कौन होगा भाई, तो ड्वार्फ स्टार वो होगा जो सूर्य से क्या है, प्रकाश कम देता हो। जो ये क्या देता हो, सूर्य से प्रकाश, ये प्रकाश क्या देता हो, ये कम देता हो वही क्या कहलाता है, ये बौना तारा कहलाता है। इसका मतलब यह हुआ कि सूर्य का जितना प्रकाश है उतना प्रकाश इस बौने तारे में नहीं है, इसकी कम रोशनी है। किनके सापेक्ष में, इन रिस्पेक्ट ऑफ द सन, दैट इज कॉल्ड ड्वार्फ स्टार। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ड्वार्फ स्टार कहा जाता है। और इसी में हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, ये जेंट स्टार है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जेंट स्टार यानी विशाल तारा। ये जेंट स्टार है, ये क्या है, ये जेंट स्टार। तो जेंट स्टार हम लोग किसको कहते हैं भाई, तो जेंट स्टार जो कहलाता है, विशाल तारा जो कहलाता है, ऐसा तारा जिसका ज्योत्सना, ऐसा तारा जिनका प्रकाश, ये जिनका प्रकाश प्रकाश सूर्य के प्रकाश से अधिक हो। ये सूर्य के प्रकाश से ये क्या हो, ये सूर्य के प्रकाश से अधिक हो, तो ये क्या कहलाता है, ये जेंट स्टार कहलाता है। ऐसा तारा जिनका प्रकाश सूर्य के प्रकाश से अधिक हो, ये क्या कहलाता है, ये जेंट स्टार कहलाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जेंट स्टार कहलाते हैं। तो ये ज्योत्सना के आधार पर इसको इस प्रकार से बांट दिया गया। अब इसी में एक बात आता है, उसको हम लोग कहते हैं श्वेत बौना। एक शब्द आता है वो कहलाता है श्वेत बौना। ये क्या है, ये श्वेत बौना कहलाता है। इसको हम लोग कहते हैं वाइट, ये वाइट ड्वार्फ। ये क्या कहलाता है, ये वाइट ड्वार्फ कहलाता है। तो अब यहाँ पर है कि वाइट ड्वार्फ किसको कहा जाता है, होम इज कॉल्ड वाइट ड्वार्फ, हाउ कैन आई डिफाइन इट, क्या इसकी खासियत है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई। तो इसमें कहता है ऐसा तारा जिनका द्रव्यमान 1.5 ms से क्या हो, कम हो, 1.5 ms से कम हो, तो ऐसी स्थिति में तारे के अणु की ऊर्जा ये क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तारे के अणु की नाभिकीय ऊर्जा, ये नाभिकीय ऊर्जा ये क्या हो जाती है, ये समाप्त हो जाती है। नाभिकीय ऊर्जा समाप्त हो जाती है। तो जब नाभिकीय ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो इससे किसका जन्म होता है, ये श्वेत बौना का जन्म होता है।
ये किसका जन्म होता है? श्वेत बौना। ये श्वेत बौना, ये श्वेत बौना का ये क्या होता है? ये जन्म होता, ये जन्म होता है। तो कहता है ऐसा तारा जिनका द्रव्यमान कितना हो भाई? 1.ms, 1.ms ये चंद्रशेखर सीमा है। तो 1.ms से क्या हो, ये कम हो, तो भाई ऐसी स्थिति में तारे की अणु की नाभिकीय ऊर्जा, ये जो नाभिकीय ऊर्जा है, ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है, वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? श्वेत बौना कहते हैं। इसका मतलब क्या है? वाइट ड्वार्फ कहते हैं। तो यहाँ पर ms का मतलब 1.ms, ms का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है मास ऑफ द सन। यहाँ ms, यहाँ ms शब्द जो आया है ये है मास, मास ऑफ द सन। ये किसके? सूर्य के द्रव्यमान के लिए ms शब्द लिखा गया है। सूर्य के द्रव्यमान, ये सूर्य के द्रव्यमान के लिए ms शब्द लिखा गया है। यही क्या कहलाता है? ms। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अब इसी में कहता है पल्सर स्टार, ये क्या कहलाता है भाई? पल्सर, ये है पल, पल्सर ये है स्टार। इसी को हम लोग कहते हैं न्यूट्रॉन तारा। ये न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन तारा ये कहलाता है। तो देखिए इसमें होता क्या है, इसमें कहता है जब किसी तारे का द्रव्यमान 1.5 से अधिक हो, माने ऐसा तारा, कहता है ऐसा तारा, ऐसा तारा जिनका द्रव्यमान, जिनका द्रव्यमान, द्रव्यमान 1.5 ms से क्या हो, अधिक हो, ये अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होती है भाई? तो ऐसी स्थिति में क्या होती है? तो कहता है ऐसा तारा जिनका द्रव्यमान 1.5 ms से अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति, ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में उनके बाह्यतम कक्षा में स्थित, उनके बाह्यतम तारे के अणु के बाह्यतम कक्षा में स्थित, तारे के अणु, तारे के अणु के बाह्यतम कक्षा में स्थित, बाह्यतम कक्षा, कक्षा में स्थित, बाह्यतम कक्षा में स्थित अणु, बाह्यतम कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन, ये क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाता है? तीव्र गति से बाहर निकल जाता है। बाह्यतम कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से, ये तीव्र गति से, तीव्र गति से ये बाहर, बाहर निकल जाता है। ये निकल, निकल जाता है, तीव्र गति से बाहर निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, तारे में क्या बच जाता है? तो ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में तारे में, ऐसी स्थिति, ऐसी स्थिति में तारे में केवल, केवल क्या बच जाता है? न्यूट्रॉन बच जाता है, न्यूट्रॉन बच जाता, बच जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है। दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड पल्सर स्टार। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? न्यूट्रॉन तारा या पल्सर स्टार कहा जाता है। तो भाई यही बात कहता है कि ऐसी, ऐसी स्थिति में ये क्या कहलाता है? जब काफ़ी तीव्र गति से ये घूमने लगता है तो क्या निकल जाता है? इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो उसमें बच क्या जाता है? ये न्यूट्रॉन बचता है। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ये न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है। अब इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अन्य को हम लोग देखते हैं इस पर। तो यहाँ पर कुछ तारे ऐसे हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पंदन तारा। हम लोग क्या कहते हैं भाई? स्पंदन। ये स्पंदन, स्पंदन तारा, ये स्पंदन तारा। तो स्पंदन तारा में क्या होता है? कहता है ऐसा तारा, ये ऐसा, ऐसा तारा जो, जो एक निश्चित अंतराल पर, एक निश्चित, एक निश्चित अंतराल, एक निश्चित अंतराल पर, एक निश्चित अंतराल, सर्टेन इंटरवल, हर हमेशा नहीं, लगातार नहीं,
रुक रुक कर, और वो भी क्या, एक लिमिटेशन, एकदम एक निश्चित अंतराल पर, सर्टेन इंटरवल पर। ये क्या होता है, कहता ऐसा तारा जो एक निश्चित अंतराल पर, ये निश्चित अंतराल पर वो क्या होता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है और सिकुड़ता है। कहता निश्चित अंतराल पर फैलता, ये फैलता, और ये क्या होता है, ये सिकुड़ता है, ये सिकुड़ता, ये फैलता और सिकुड़ता है। तो इसे ही क्या कहा जाता है, स्पंदन तारा कहा जाता है, इसे ही स्पंदन तारा कहा जाता है, इसे ही स्पंदन, ये स्पंदन तारा कहा जाता है, इसे ही स्पंदन तारा कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। बहुकलित तारे, बहुकलित तारे, ये है बहुकलित, ये क्या है भाई, बहुकलित तारे, इसको हम लोग कहते हैं मल्टीपुल, ये है मल्टीपुल स्टार, ये मल्टीपुल स्टार्स। तो बहुकलित तारे का मतलब होता है ऐसा तारा जिसमें दो या दो से अधिक तारे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ऐसा तारा, ऐसा तारा जो दो या दो से, दो या दो से अधिक तारे, अधिक तारे आपस में जुड़े होते हैं, आपस में ये क्या होते हैं, ये जुड़े, ये जुड़े होते हैं, कोमा, ये क्या कहलाता है, ये बहुकलित तारा कहलाता है, बहुकलित तारा कहलाता, ये कहलाता है, ये बहुकलित तारा ये कहलाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये बहुकलित तारा ये कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं भाई, ये है युग्म तारा, इसको हम लोग क्या देखते हैं, युग्म तारा, ये क्या है, ये युग्म, ये युग्म तारा, इसको हम लोग कहते हैं बाइनरी स्टार, ये है बाइनरी, ये क्या है, ये है बाइनरी स्टार्स, ये युग्म तारा। कहता है ऐसा तारा, ऐसा तारा जो दो तारे से मिलकर के बना हो, ऐसा तारा जो जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण दो तारे आपस में जुड़े हों, दो तारे, दो तारे आपस, दो तारे आपस में ये क्या हों, ये जुड़े हों, तो यही क्या कहलाता है, ये कहलाता है युग्म तारा। वो जो दो तारा है वो आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, किसके कारण जुड़ जाता है, ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जुड़ जाता है, किसके कारण, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पावर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड बाइनरी स्टार्स, या युग्म तारा कहलाता है। इसी प्रकार से हम लोग क्या कहते हैं भाई, वेरिएबल स्टार है, ये क्या है भाई, वेरिएबल स्टार, ये वेरिएबल, ये क्या है भाई, वेरिएबल स्टार, वेरिएबल स्टार, यही कहलाता है वेरिएबल, ये क्या कहलाता है, ये तारे, ये वेरिएबल तारे क्या होता है, कहते ऐसा तारा जिनका प्रकाश, ऐसा तारा, ऐसा तारा जिनका प्रकाश, ये जिनका प्रकाश, प्रकाश ये क्या होता है, ये घटते बढ़ते रहता है, घटते बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, तो यही क्या कहलाता है, ये वेरिएबल स्टार। तब इस जगह आप कहेंगे कि सर स्पंदन तारा और वेरिएबल तारा में क्या अंतर है, तो स्पंदन तारा में फैलेगा, वहाँ प्रकाश से कोई लेना नहीं है, अब वेरिएबल तारा में क्या है, प्रकाश यहाँ घटेगा बढ़ेगा, और स्पंदन तारा में क्या है, वो तारा ही फैलेगा और सिकुड़ेगा, लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति नहीं होगी, तो यही क्या कहलाता है, वेरिएबल स्टार। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं नोवा और सुपरनोवा, याद रखिएगा इससे प्रश्न पूछा जाता है, ये है नोवा, नोवा एंड ये क्या है, सुपरनोवा, ये है सुपर, ये क्या है, ये सुपरनोवा, इसी को हम लोग अब ध्यान से यहाँ पर देखते हैं, ये है नोवा और ये क्या है, ये सुपरनोवा। तो कहता है नोवा क्या है, तो कहता है जब तारे में, जब तारे की चमक, जब तारे की चमक, तारे की चमक अचानक बढ़ जाती है, अचानक जब तारे की चमक
अचानक अचानक ये क्या होती है, बढ़ जाती है, अचानक बढ़ जाती है। सडनली इंक्रीज्ड द लाइट ऑफ स्टार, कहता जब तारे की चमक अचानक बढ़ जाती है, ये क्या हो जाता है, अचानक बढ़ जाता है, तो वो क्या कहलाता है, नोवा कहलाता है। जब जब तारे की चमक जब तारे की चमक अचानक बढ़ जाती है तो नोवा कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, नोवा, ये नोवा कहलाता है। तो नोवा का जो चमक जो बढ़ता है, इसका एक लिमिटेशन है, इसका चमक कितना अधिक बढ़ता है, तो कहता है 10 मैग्नीट्यूड से लेकर 10 मैग्नीट्यूड से लेकर 10 मैग्नीट्यूड से लेकर 20 मैग्नीट्यूड तक, 10 मैग्नीट्यूड से लेकर 20 मैग्नीट्यूड तक ये क्या होता है, ये चमक बढ़ जाती है, ये क्या होती है, चमक बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। तो ये होता है, ये नोवा होता है। अब नोवा में जो विस्फोट होता है वो किनारे पर होता है, तारे के किनारे पर क्या होता है, ये विस्फोट होता है, विस्फोट होता है, न कि सेंटर में, न कि मध्य में। तो ये यही क्या कहलाता है, ये नोवा कहलाता है। ये नोवा कई बार परीक्षा में पूछा गया है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब सुपरनोवा क्या कहलाता है, इस नोवा को तो आपने देख लिया, अब हम लोग चलते हैं सुपरनोवा। अब हम लोग देखते हैं सुपरनोवा, ये क्या है भाई, ये है सुपरनोवा, ये सुपरनोवा है। तो कहता है कि सुपरनोवा में क्या होता है, जब किसी तारे की चमक 20 मैग्नीट्यूड से अचानक अधिक हो जाती है, जब किसी तारे की चमक 20 मैग्नीट्यूड से अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है तो उसे सुपरनोवा कहा जाता है, तो उसे सुपरनोवा, ये सुपर, ये क्या कहलाता है, नोवा कहा जाता है, उसे सुपरनोवा कहा जाता है। तो सुपरनोवा में क्या होगा भाई, तो कहता है सुपरनोवा में जो होगा तो विस्फोट जो होगा वो तारे के केंद्र में होगा, ये विस्फोट तारे के केंद्र में होगा, ये तारे के केंद्र में होगा, ये तारे के केंद्र में होगा, और इसकी चमक बहुत अधिक होगी, यानी कहने का मतलब 20 मैग्नीट्यूड से क्या हो जाएगा, अधिक होगा। और सुपरनोवा को ही क्या कहा जाता है, ये विस्फोटी तारा कहा जाता है। देखिए ये प्रश्न पूछा गया है, सुपरनोवा को ये क्या कहा जाता है, विस्फोटी तारा कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है, सुपरनोवा को क्या कहा जाता है, विस्फोटी तारा कहा जाता है। अब सवाल है ये विस्फोट होता क्यों है, ये विस्फोट का कारण क्या है भाई, ये तारे में जो विस्फोट होता है इसका कारण क्या है, इसका कारण है नाभिकीय प्रतिक्रिया, न्यूक्लियर रिएक्शन। इसका क्या है, नाभिकीय प्रतिक्रिया। इसका क्या है भाई, नाभिकीय क्रिया है, न्यूक्लियर, ये क्या है, एक्सप्लोजन। इसी की वजह से ये तारा में क्या होता है, ये विस्फोट होता है। इस प्रकार से मैंने आज आपको तारे के संबंध में बतलाया कि भाई तारे की स्थिति क्या है, कैसे तारा, कितने प्रकार के तारे होते हैं। आप इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात हुआ वो आपको परीक्षा में जो पूछा गया है वो कौन सी, क्या पूछा गया है, नोवा और सुपरनोवा के संबंध में ये पूछा गया है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है, धन्यवाद।